लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि मेरा मानना है कि कानून सही है तो प्रतिपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए, अगर सही नहीं है तो चर्चा करनी चाहिए। कानून बनाते समय तर्कों के साथ अगर चर्चा की जाए तो कानून बेहतर बनेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सत्रों की संख्या नहीं घटनी चाहिए, पहली बार के विधायकों को अधिक बोलने का मौका सदन में मिलना चाहिए। श्रेष्ठ विधायक वही बन सकता है जो पूरे सदन में रहे। अगर आपको सिर्फ विधायक बनना है तो आकर चले जाएं, और अगर प्रदेश का नेता बनना है तो पूरे समय सदन में उपस्थित रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है। उन महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये जन्म स्थली है। झांसी की रानी, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी इसी धरती से आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि आप इस गौरवशाली विधानसभा के सदस्य बने हैं। इस नाते आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जनता की अपेक्षाएं पूरी करें। एक विधायक अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अगर वह राज्य का नेता बनना चाहता है तो उसके लिए विधान मंडल एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से वह राज्य की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, कानून बना सकते समय सार्थक चर्चा कर सकता है, और अपनी डिबेट और चर्चा के अंदर जितनी सार्थक चर्चा करेगा उतना ही वह लीडर प्रदेश का बनेगा। मुझे याद है कि मैं विधानसभा में रहा, लोकसभा में रहा, अभी धीरे धीरे माननीय विधायकों चाहे सांसदों में सदन में भी देखता हूं, वो अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं, अपने क्षेत्र की सीमित बातों पर चर्चा करते हैं।